हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग और आप मेरे साथ देख रहे हैं लर्निंग लैब चैनल। सो आज के वीडियो में हम क्लीन प्लेट का कुछ रिग रिमूवल का काम करने वाले हैं। रिग रिमूवल के लिए ये हमारे पास फुटेज है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस फुटेज में दो बाइक्स हैं, ऐसा एक बाइक्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दूसरी बाइक के यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। तो इनका हम क्लीन प्लेट करने वाले हैं। क्लीन प्लेट के लिए हम एक नोट का यूज करेंगे, वो है, तो उस नोट का यूज करते हुए हम दोनों बाइक्स को हटाएंगे। तो इस नोट के नोट से बहुत ही कम टाइम में और अच्छी क्वालिटी में हमें आउटपुट मिल जाते हैं कुछ ऐसे शॉट्स का, पर्टिकुलर शॉट्स का, मूविंग शॉट्स रहेंगे थोड़ा बहुत, जो कैमरा मूवमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग मिलता है। तो एक बार देख लेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अगर अपने न्यूक में प्रोजेक्ट सेटिंग नहीं करी हुई है तो ये ज़रूरत है आपको प्रोजेक्ट सेटिंग करने की। तो जहाँ पर हमें प्रोजेक्ट सेटिंग के यहाँ से मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ पर जाके सेम प्रोजेक्ट सेटिंग कर देनी है। ऑलरेडी मैंने कर रखी है तो मैं नहीं करने जा रहा हूँ, तो ये क्लोज कर देते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, हम कौन से नोट से यूज करने वाले हैं। तो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे एफ रिग रिमूवल। ओके, तो हमारे पास ये नोड है एफ रिग रिमूवल का। जैसे आप नोड लेंगे, आपको इस नोड में दो यहाँ से इन करने के लिए एक सोर्स और रिग मास्क दो ऑप्शन मिलते हैं। तो ऑफकोर्स सोर्स है, तो मैं इसे फुटेज पर कनेक्ट कर देता हूँ और इसे व्यू कर देता हूँ। ओके, जैसे आप व्यू करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ एक बॉक्स आपको ऐसा मिल रहा है। ओके, तो पर्टिकुलर एक बॉक्स मिल रहा है। तो ये बॉक्स क्या है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी यहाँ पे, तो इनके बारे में हम चेक कर लेंगे एक बार। तो यहाँ पे बॉक्स सेलेक्ट है, इसलिए बॉक्स मिल रहा है। अगर पर्टिकुलर मुझे कुछ रिमूव करना है, इस बॉक्स को वहाँ पर लेके जाता हूँ, तो पर्टिकुलर मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन इस बॉक्स का नॉर्मली यूज हम नहीं करते हैं, तो रिग रीजन में बॉक्स की जगह आपको चेंज कर देना है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो यहाँ सोर्स सोर्स इन्वर्टेड और रिग मास्क लुमिनेंस, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं। अगर आप जो ये नोड है रिग मास्क का, अगर आप यहाँ पे कोई रोटो लॉक कनेक्ट करते हैं तो आपको ये मिल जाता है। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, सॉरी, तो बॉक्स की जगह आपको रिग मास्क अल्फा ऐसा आपको करना पड़ेगा, लेकिन हम उसको नहीं यूज करने वाले, हम यूज करेंगे सोर्स अल्फा। ओके, तो सोर्स अल्फा करते ही ए प्रेस करता हूँ तो कुछ आपको ऐसा मिल गया, क्योंकि मेरे सोर्स में अभी अल्फा नहीं है, तो मैं सोर्स के लिए अपने अल्फा क्रिएट करने वाला हूँ। तो ओके, आपको रोटो नोड लेना है, वन कर देता हूँ। हमारी ये बाइक दिख रही है, तो एक गार्बेज रोटो इसके लिए आपको ड्रॉ करना है। रोटो के बारे में मैंने बताया, तो नॉर्मल सा एक गार्बेज रोटो ऐसे ड्रॉ कर लेंगे हम, दूर रखेंगे तो कोई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है ये। तो ऐसा कुछ, बस इसके अकॉर्डिंग में आप जाके थोड़ा सा एनिमेट कर देना है। ऑलमोस्ट डन हो गया ये पार्ट। ओके, थोड़ा पीछे आ जाते हैं। ओके, यहां से मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। तो अभी हमें बेसिकली क्या करना है, ये रोटो जो है, जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई अल्फा नहीं है जैसा आप देख पा रहे हैं, इस रोटो को यहाँ कनेक्ट कर देंगे ऐसे। अभी मैं आपको व्यू करके दिखाता हूँ। अभी हमारे फुटेज में इस पार्ट, इस बाइक का अल्फा आ गया है। ओके, तो वापस से मैं इसको वन व्यू करूँगा। जैसे वन व्यू करूँगा, ऑटोमेटिक, कोई चेंजेस नहीं किए अभी तक प्रॉपर्टीज़ में हमने, ऑटोमेटिक ये बाइक मेरी यहाँ से निकल चुकी है। ये भी करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमें ये चेक करना है, एक फ्रेम में तो ये रिमूव दिख रही है, क्या आगे के फ्रेम में भी ये बाइक रिमूव हुई है या नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है हम अपने शॉट को प्ले कर देंगे, थोड़ा हैवी नोट है इसलिए प्ले करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक बार प्ले हो जाता है, हम देख लेते हैं इसका कैसा आउटपुट है। जैसे ही हम प्ले करते हैं तो हमें कई सारे प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। एक तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम हमें नज़र आ रहा है, ये सॉल्व करना है। उसके पहले कुछ और प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहे हैं, तो मैं और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जैसे देख रहे हैं, ये रिमूव नहीं हुई है बाइक यहाँ से, तो इसका क्या रीज़न है, थोड़ी प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे और थोड़ा समझेंगे। तो यहाँ जो फ्रेम रेंज हमारी सेलेक्ट हुई है, तो ये क्या कर रहा है, चार फ्रेम जो है यहाँ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का है, तो इसके रेफरेंस जो ले रहा है, फोर फ्रेम आगे से ले रहा है, फोर फ्रेम पीछे से। तो आई थिंक उस फ्रेम से, चार फ्रेम से उसको रेफरेंस नहीं मिल रहा, इसलिए थोड़ा सा इस फ्रेम्स को मैं बढ़ा देता हूँ। चलिए फाइव करके देख लेते हैं।
कोई चेंजेस नहीं है, 6 करेंगे, 6 करने में चला जाता है। चलिए एक बार और प्ले करके देखते हैं, और कहीं प्रॉब्लम है? ओके, तो अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ हमें, जैसा आप देख पा रहे, रेट दिख रहा, तो मैं एग्जैक्टली 7 करके देखता हूँ। हमें थोड़े से एक्सपेरिमेंट यहाँ करने में, 10 एग्जैक्टली कर देता हूँ। यहाँ पे 10 करते ही ये सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। चलिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमें नज़र आ रही थी सबसे ज़्यादा, वो सेंटर में एक फ्रेम फ्लिकर कर रहा था, उस सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ वो देख लेते हैं हम। थोड़ा बफर होने में ये टाइम ले रहा है, एक्चुअली थोड़ा हैवी नोड है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट डन हो गया, यहाँ से हमारा बफर कंप्लीट हो गया, तो एक बार हम देख पाएंगे प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हुए कि नहीं। आई थिंक ये प्रॉब्लम जो था वो प्रॉब्लम भी हमारा सॉर्ट आउट हो गया है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो एक बार मैं आपको AV करके दिखा देता हूँ यहाँ से, सॉरी यहाँ पे हमारी बाइक नहीं थी, तो यहाँ से हमारी बाइक थी, जैसा आप देखेंगे पूरी तरीके से ये रिमूव हो गई है। हाँ, कोई इसमें नहीं है, तो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज इसकी और हैं एडवांस यहाँ पे रिग रीजन बॉक्स है, तो बिग बॉक्स का तो यूज हम कर नहीं रहे, इसके लिए इसको क्लोज कर देते हैं। अभी एडवांस में कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको मिल जाती हैं, तो उनको अभी कैसे देखेंगे एक बार प्ले कर देता हूँ। तो मैं क्या काम करता हूँ, पहले ये जो दूसरी बाइक है इसको भी थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, उसके बाद हम सारा एक साथ देखने वाले हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मुझे और नज़र आ रही हैं, मैंने अभी प्ले किया शॉर्ट को, जैसा आप देख पा रहे होंगे। मैं क्यों थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ इसको। यहाँ देखेंगे शेडो ट्रेवल हो रही है इसकी, इसका रीज़न क्या है, जाहिर सी बात है मैंने इस रोटोशेप को, सॉरी ये रोटोशेप को पूरा ड्रॉ नहीं किया है, इसके अकॉर्डिंग इसकी शेडो को ये कवर नहीं कर रहा, इसलिए ऐसा हो रहा। तो मैं यहाँ से रिपल एडिट में जाता हूँ, थोड़ा सा इसको डाउन की तरफ ले लेता हूँ। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई कि नहीं एक बार देख लेते हैं। ये फिर से बफर होने में टाइम लेगा, तो ये पार्ट मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दूंगा। ओके, पूरी तरीके से यहाँ पे फाइनल आउटपुट हमें मिल गया है फर्स्ट बाइक का। अभी हम सेकेंड बाइक में आएंगे और जो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज उसकी बची हैं वो चेक करेंगे। तो सेकेंड बाइक कैसे हमें रिमूव करनी है, तो ये बहुत ही आसान है। फर्स्ट बाइक के लिए हमने रोटो डालता, हमें सेम रोटो सेकेंड बाइक पे भी अप्लाई करना है, मतलब सेम रोटो नोड में उसके लिए भी हम एक रोटो ड्रॉ कर लेंगे, और हमें लगता है कि ऑटोमेटिक ही जैसे फर्स्ट वाली गायब हुई है, क्योंकि प्रोविजन सेटिंग तो हमने ऑलरेडी कर दी है। तो मैं इसका रोटो एक ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसा, इसके बाद से फुटेज नहीं है तो हमें बैकवर्ड जाना है। ओके डन, तो चलिए मैंने यहाँ से रिमूव तो कर दिया है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये रिमूव हुई है कि नहीं। आई थिंक रिमूव हो गई है, एक बार प्ले करके इसको दिखा देख लेते हैं, वापस से थोड़ा बफर करने के बाद ही हम दिखा पाएंगे आपको। ओके, यहाँ से किया, थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें और रह गई है, तो कौन से फ्रेम पे है पर्टिकुलर, इस फ्रेम में थोड़ी प्रॉब्लम मुझे लग रही है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा जाके फ्रेम को डायरेक्टली मैं 1-2 कर दूंगा। आई थिंक ये सॉल्व हो जानी चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा आगे की तरफ आता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ जल्दी से चेक करेंगे। यहाँ फ्लटरिंग है, मीडियम रखिए, लो और हाई अपने शॉट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मीडियम मुझे बेस्ट मिल रहा है, मैं चेंज करने वाला नहीं हूँ। आप अगर शॉट में आपकी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे लुमिनेंस करेक्ट का मिलता है, तो ये एग्जैक्टली हमें थोड़ी सी CC करके देता है। जैसे कि यहाँ पर मुझे कुछ कट से दिख रहे हैं, प्रॉब्लम है, ये मैच नहीं हो रहा सही से यहाँ पर, तो इसके लिए क्या करूँगा मैं लुमिनेंस ऑन करूँगा। तो एक लेवल में आप देख पाएंगे बहुत कम है, बस ये हमें थोड़े से CC मैच इसके जो लुमिनस वैल्यू उसको मैच करके दे रहा। अभी बात कर लेते हैं प्रोस्पेक्टिव की, ये आप देख पा रहे होंगे ये लाइन दिख रही है, अगर मैं प्रोस्पेक्टिव में क्लिक करता हूँ इट इज़ सॉल्व, मतलब ये हमारा प्रोस्पेक्टिव मैच करके दे रहा है पूरी तरीके से। एक बार ऑन ऑफ करके मैं दिखा देता हूँ, तो ऑलमोस्ट यहाँ तक हमने डन कर दिया है। चलिए अभी ये प्ले करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम जाएगा।
ओके यहाँ पे हमें फाइनल आउटपुट मिल गया है, थोड़ी सी चीज़ें और रह गई यहाँ तक कि प्रॉपर्टीज हमने चेक कर ली है। यहाँ पे ओवरलैप करेक्ट यहाँ पे आ रहा है, लिंक रिपेयर फेल मार्कर ऑप्सिटी, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हमारे इस शॉर्ट में नहीं आया, इसलिए मैं इन दोनों नोट्स का यूज नहीं करने वाला हूँ। अगर आपके शॉर्ट में आता है आप थोड़ा सा चेंजेस करके इसमें देख सकते हैं। लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन है प्रिजर्व अल्फा का ऑप्शन है, वो मैं एक बार दिखा देता हूँ है क्या एग्जैक्टली। तो जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे इसका अल्फा हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, अगर मैं प्रिजर्व अल्फा को ऑन कर देता हूँ तो जाहिर सी बात जो बाइक का अल्फा था वो हमें यहाँ से मिल जाता है, तो उसकी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अगर ग्रेन्स वगैरह करने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो करते हैं, बहरहाल अभी तो मुझे नहीं ज़रूरत पड़ रही, मैं ऑफ कर देता हूँ। तो ये था कि हमने बहुत ही कम टाइम में ये दोनों बाइक्स को रिमूव कर दिया है, तो वो भी एफ रिग रिमूवल नोट का यूज करते हुए। इस नोट की थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, हर शॉट में यूज नहीं होने वाला, कुछ स्पेसिफिक शॉट में ये यूज होगा, बाकी हमें मैनुअली हमें करना पड़ता है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हमने एफ रिग रिमूवल को सीखा है, तो आई होप दोस्तों कि आपको ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में अच्छा आउटपुट इससे मिल जाता है। तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।